जम्मू कश्मीर समेत पंजाब में सुरक्षा एजेंसियों को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे भारत पाकिस्तान सीमा पर हथियारों की इस वर्ष सप्लाई में बढ़ोतरी देखने को मिली है। और अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या आतंकी संगठन हथियारों की सप्लाई को फिर से बहाल करने की कोशिश में जुट गए हैं। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय एजेंसियों और विभिन्न फोर्सेज ने जनवरी की शुरुआत में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान मुख्य रूप से भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में ग्रेनेड, गोला बारूद, AK सीरीज के हथियार, IED, डेटोनेटर और वायरलेस उपकरणों जैसे हथियारों की बढ़ती बरामदगी पर चिंता जताई है। इससे ज्यादा पंजाब और जम्मू कश्मीर में AK सीरीज के हथियारों सहित कुछ विदेशी प्रकार के हथियारों और IED की बरामदगी में बढ़ोतरी देखी गई है। सरकार ने आकलन किया है कि इन हथियारों की आपूर्ति POK में घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकी संगठनों को की गई होगी और इन हथियारों में उच्च श्रेणी के ड्रोन भी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार आतंकी संगठनों द्वारा हथियारों की प्राप्ति के लिए सप्लाई की बहाली और हाल में आतंकी हमले में इस्तेमाल अमेरिका में बनी M4 कार्बाइन राइफल समेत कुछ हाईटेक ड्रोन से ये संकेत मिलते हैं कि ये हथियार अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान से निकलते समय वहां छोड़ दिए हैं। फंड रेंजिंग के लिए तालिबान अब इन हथियारों को पाकिस्तान समेत अन्य देशों में तस्करी के जरिए बेच रहा है। कश्मीर BSF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कश्मीर हथियारों और गोला बारूद की आपूर्ति के लिए शीर्ष विकल्प बना हुआ है। साल 2023 में 31 AK सीरीज हथियार, 240 पिस्टल, 43 ग्रेनेड, 1927 राउंड, 6 IED, अन्य गोला बारूद जब्त किए गए। गोला बारूद की बरामदगी में वृद्धि हुई है जबकि ग्रेनेड की बरामदगी में भी वृद्धि देखी गई है। साल 2022 में BSF और उनकी सहयोगी सुरक्षा एजेंसियों ने कश्मीर घाटी में अलग अलग ऑपरेशंस में भारी संख्या में हथियार जब्त किए। जब्त हथियारों में AK सीरीज की 24 राइफलें, अमेरिकी M सीरीज की 2 राइफलें, 20 रिवॉल्वर और पिस्तौल, 27 हैंड ग्रेनेड और 2 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किए थे। बीते 2 महीने यानी नवंबर और दिसंबर से ज्यादा समय के आंकड़ों के मुताबिक सीमा सुरक्षा बल ने करीब 20 ड्रोन पकड़े हैं। बाजार में 1.5 लाख रुपए से 11 लाख रुपए के बीच कीमत वाले ये ड्रोन पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों की रणनीति में बदलाव का संकेत देते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार पूंछ में हाल ही में हुए हमले जिसमें 4 सैनिक शहीद हुए थे, इस हमले के लिए जिम्मेदार आतंकी संगठन ने वायरल किए तस्वीरों में अमेरिका में बनी M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल के इस्तेमाल का प्रदर्शन किया था। भारत पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा करने वाली BSF के आंकड़ों के मुताबिक जवानों ने गुरदासपुर इलाके से AK सीरीज के हथियार भी बरामद किए थे जो पिछले साल पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए सप्लाई किए गए थे। BSF के साथ साथ अन्य एजेंसियों द्वारा ये देखा गया है कि पाकिस्तान के उच्च स्तरीय महंगे ड्रोन का उपयोग करके ड्रग्स, हथियार और गोला बारूद भेजने की अपनी रणनीति बदल दी है। ये HD ड्रोन महत्वपूर्ण ऊंचाई पर उड़ सकते हैं और तेज रफ्तार के साथ भारी पेलोड ले जा सकते हैं जो भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों के लिए चुनौती पेश करते हैं।